पब्लिक टीवी आपकी आवाज। चुनावी दंगल शुरू हो चुका है, सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। इसी कड़ी में रामपुर से भारतीय जनता पार्टी ने फिल्मी स्टार जयपर्दा को रामपुर प्रत्याशी बनाकर भेजा है। इसको लेकर रामपुर में जयपर्दा ने एक विशाल जनसभा का आयोजन किया। जनसभा में भारी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता भी मौजूद रही। जनता को संबोधित करते हुए जयपर्दा ने बताया, 2009 में रामपुर से वे सांसद रह चुकी हैं और उन्होंने आम जनता के लिए बहुत काम किए हैं। और साथ ही उन्होंने बताया, कुछ दबंग लोग रामपुर में उनको मारने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा, उनके ऊपर तेजाब से हमला करने की कोशिश की थी। इन सभी बातों को जाहिर करते हुए फिल्मी स्टार जयपर्दा की आंखों से आंसू निकलने लगे। उनकी बातों को सुनकर आम जनता भी रोने लगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर वे 2019 का चुनाव विजय करती हैं तो रामपुर से सांसद बनती हैं तो हर किसी की समस्या का समाधान किया जाएगा और किसी भी गरीब निचले तबके की आवाज को कुचला नहीं जाएगा। सभा को सफल बनाने के लिए राजू भैया, डॉक्टर जयपाल सिंह, भाजपा प्रत्याशी जयपर्दा सहित भारी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। उनके बढ़ाने की पूरी किया मैंने। अब रहा जरे जंगल जी, कितने